नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर मोनोब्लॉक वाटर पंप के बारे में। तो आपको हम दिखाते हैं, ये हमारा मोनोब्लॉक वाटर पंप है जो अभी फिलहाल हम मार्केट में आए हैं। तो ये हम बाय करने के लिए आए हैं, जो हमारे लिए बेस्ट यही हमको लगा, जो कि अभी न्यू ब्रांड का हमारा ये वाटर पंप है। और अदर मोटर के मुकाबले ये मोटर बहुत ही अच्छा सब कुछ दिया गया है। इसका डायमेंशन भी अदर के मुकाबले ज़्यादा है। और हमको ये कंपनी, जो कि इंडिया में और प्रॉपर गुजरात में बना हुआ हमारा ये कंपनी का बना हुआ मोटर है, इसीलिए इस मोटर की खासियत हमको बहुत अच्छी लगी। इसको बाय करने के लिए हम पहले दूसरा कंपनी का बाय कर सकते थे, लेकिन ये फिलहाल नए है और एक साल से ये मार्केट में रनिंग कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए खास करके बहुत ही बेस्ट मोटर है ये। जो इसका डायमेंशन आपको हम आगे वाले प्लेट में सब कुछ आपको हम बताएंगे। तो हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले गाइस। और आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए। अब हम आपको इस मोटर के प्लेट के बारे में बताते हैं। आपको इसका डायमेंशन आप देख लीजिए, जो 80x80 दिया गया है। अदर मोटर के मुकाबले इसका डायमेंशन 5 से ज़्यादा गुना ये दिया गया है, जो कि पानी देने के लिए ये ज़्यादा ताकतवर है और अच्छा पानी आपको देंगे यह मोटर। और एक घंटा में यह मोटर आपको 17,000 से 18,000 लीटर पानी आपको सिंचाई के लिए देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा मोटर है और बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस इस मोटर का है। और इस मोटर की RPM की बात करें तो इसका RPM आप देख सकते हैं 2880 RPM दिया गया है, जो अदर के मुकाबले में ये 80 ज़्यादा है। जो और अदर जो रहता है वो 2800 RPM मैक्सिमम दिया रहता है मोटर में। इसलिए ये मोटर अगर आप रनिंग कराते हैं, एक मिनट में 2880 बार ये रनिंग करेगा। इसका आर्मेचर जो आप दिया गया, वाइंडिंग जो किया गया है, ये एक मिनट में 2880 बार रनिंग करेगा, जो कि अदर के मुकाबले में ये ज़्यादा पानी देने की क्षमता इस मोटर में है। और ये जो है, इस मोटर को कभी भी आप बिना पानी का नहीं चला सकते। और इस मोटर की वोल्टेज की बात करें तो यह मोटर 440 वोल्ट से 230 वोल्ट के बीच में आप इस मोटर को चला सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में 240 से अच्छा वोल्टेज रहता है, कभी भी जो आप लाइट जला रहे हैं लाल बल्ब, वो 100 वाट का अच्छा से जल रहा है, कोई भी डीम नहीं आ रहा है, तो ये मोटर आपके लिए बेस्ट है। गाइज, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। इस मोटर को चलाने के लिए आपको अपने क्षेत्र में अच्छा वोल्टेज हो तो ही यह मोटर ले, अन्यथा आपके लिए ये नहीं अच्छा रहेगा। तो यह मोटर जो है 230 से 440 वोल्ट के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यह मोटर पानी देने के लिए अच्छा क्षमता इस मोटर में है। इस मोटर की अदर की बात करें तो यह मोटर आपको 1.5 kW 2 HP में यह मोटर आ रहा है, जो कि फेज 1 AC हर्ज में यह मोटर रिकमेंडेशन करता है। आपको हम हर एक प्लेट्स के बारे में आपको डिटेल से बताए हैं, ताकि कोई भी आपको दिक्कत न हो। खरीदने से पहले आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि हमारा मोटर खरीदने से पहले कैसा है और कैसा रहेगा और बेस्ट रहेगा। कि मोटर बार बार नहीं खरीद सकते हैं, एक बार खरीदने के बाद आप फिर पछताएंगे, इसलिए आप जब भी खरीदें तो हमेशा नंबर प्लेट देख कर ही खरीदें और आप सही तरीके से उसको बाय कर सकते हैं, ताकि आप जब भी इसको ख़रीदेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और एग्रीकल्चर सिंचाई के लिए वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो आप ख़रीदने से पहले सब कुछ उसका चेक कर लीजिए तो ही आप खरीदिए। तो हमारा वीडियो आपको आज का कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा।